हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जो भी क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो फिलहाल क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सुदूर लंबी मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। यानी कि एक मीनार है जो कि बहुत लंबी है और आप यहाँ खड़े हैं, आप इसका ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि किस दर्पण का, किस मिरर का यूज आप करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मिरर का करेंगे, लेंस का करेंगे, किसका करेंगे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है यानी ऐसा होगा कुछ, तो उसमें क्या होगा कि ये जो मीनार की जो पूरी लेंथ है ये आपका छोटा करके आपको एक जगह पर दिखा देगा, जिससे आप उसका सही अवलोकन, सही ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टीचर है, उन्होंने 3 बॉटल्स की 3 प्लास्टिक के ढक्कन लिए हुए, यानी कि 3 बॉटल है, 3 बॉटल्स के ढक्कन उन्होंने निकाल लिए। उसके बाद एक ढक्कन में उन्होंने क्या किया, डिजिटल वाटर डाला और कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला। दूसरे में भी उन्होंने 2 चम्मच डिजिटल वाटर डाला और थोड़ा सा कास्टिक सोडा मिक्स किया। तीसरे में क्या किया, 2 चम्मच डिजिटल वाटर डाला और थोड़ी सी शक्कर यानी कि चीनी शुगर को आपको मिक्स कर दिया, यानी कि उसमें डाल दिया। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा घोल ऐसा होगा जो इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ जो आपका फर्स्ट विलयन होगा यानी फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन, ये दोनों ही विद्युत के चालक होंगे, इलेक्ट्रिक के गुड कंडक्टर होंगे। जब हम आश्रित जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदें डालेंगे तो वो भी आपका विद्युत चालन बन जाएगा, और जब हम आश्रित जल में थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालेंगे तो वो भी आपका विद्युत चालन का एक विलयन बन जाएगा। तो यहाँ दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, यानी सेकंड सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, एक तरफ विटामिन के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ विटामिन से होने वाली बीमारियां दी गई हैं। कुछ इधर मिसिंग है, कुछ इधर मिसिंग है, क्या मिसिंग है ये आपको फाइंड करना है। तो पहला है सुखंडी रोग, जिसे डिकेट्स कहते हैं। तो डिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ विटामिन डी होना चाहिए। दूसरा है स्कर्वी, स्कर्वी किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो यहाँ वाई की जगह पे क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। B1 देखिए, तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी होता है, तो यहाँ बेरी बेरी होना चाहिए जेड की जगह पर। और B3 की कमी से आपको पैलाग्रा रोग होता है, तो यहाँ पैलाग्रा होना चाहिए W की जगह पर। तो देखिए कौन सा इसमें सही होगा। तो थर्ड अगर ऑप्शन देखें तो एकदम मैच कर जाएगा, विटामिन डी की कमी से आपका डिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी होता है, और विटामिन B3 की कमी से आपका पैलाग्रा हो जाता है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है, या दोनों सही है, दोनों गलत है। पहला स्टेटमेंट है कि चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करेंगे, यानी जो चांद की सतह है उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स फील नहीं किया जा सकता, या हम फील नहीं करेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होगा। दूसरा कह रहा है कि चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन होती तो लोग वहां रहने लग जाते हैं, वहां तो माउंटेन्स हैं, गड्ढे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, लेकिन आपका ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। तो देखते हैं कहाँ दिया हुआ है, पहला सही नहीं है, S2 सही है, थर्ड आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं मटियार मिट्टी की कुछ क्वालिटीज दी हुई हैं, आपसे पूछ रहे हैं कि मटियार मिट्टी की कौन सी क्वालिटी सही है, यानी इनमें से कौन सी सही हो जाएगी। तो पहला कह रहे हैं कि इनमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है, यानी पानी वर्षा बह गया, एब्जॉर्ब करने की क्षमता नहीं होती, क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, यानी फर्स्ट गलत हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इसमें बहुत कम मात्रा में खाद मिट्टी होती है, यानी जो न्यूट्रिशियन होते हैं इस प्रकार की मिट्टी में बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में होते हैं। तीसरा कह रहा है यह केवल निश्चित मात्रा में जल को प्रवेश करने देती है, क्या ये सही है, ये भी सही नहीं है, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा कह रहा है कि यह बड़ी मात्रा में जल रोके रख सकती है, ये एकदम सही है, यानी काफी क्वांटिटी में जल को एब्जॉर्ब कर लेती है, जल को काफी मात्रा में रोक सकती है। तो थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका सही क्वालिटी है मटियार मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय पादपों के पास अच्छी तरह से विकसित मूलतंत्र नहीं होता, क्यों। जलीय पादप यानी कि जो आपके वाटर से रिलेटेड प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट्स वाटर में होते हैं, पानी में होते हैं, जैसे कि जलकुंभी हो गया, पानी में पाया जाता है, सिंघाड़ा वो भी पानी में ही होता है, और जो कमल का फूल होता है वो भी आपका पानी में होता है। तो ये पूछ रहा है कि उसकी जो जड़ें होती हैं, जो मूलतंत्र होता है, वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होता, बहुत ज्यादा डेवलप नहीं होता, ऐसा क्यों है।
रीजन दिया गया है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके, बिल्कुल नहीं। उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो पानी में है तो पानी को अब्जॉर्ब करने के लिए उन्हें बहुत लंबी जड़ की आवश्यकता नहीं है, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसा नहीं है, सभी के लिए न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो या ह्यूमन्स हो, तो यहाँ ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है उन्हें तैरता रखने में सहायता करती है, ये भी नहीं है, जो खोखली नली होती है वो उन्हें तैरते रहने में सहायता करती है, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सेकंड में दिया हुआ इसलिए ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शून्य त्वरण से गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है, यानी कि अगर हम शून्य त्वरण से जीरो एक्सेलरेशन से कोई पिंड जो है, कोई वस्तु है वो गति कर रही है, तो उसका अगर हम वेग समय ग्राफ बनाएंगे तो वो कैसा बनेगा, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा, समय अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जीरो एक्सेलरेशन के साथ जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इसलिए जब वेग समय ग्राफ बनेगा तो समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा में बनेगा, सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कहा गया है ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो आपको सॉल्व करना है, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आपको सॉल्व करना है, इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेदने जाता है, यानी कि कोई उसके पास एक बर्छी है जिसे वो फेंक के मारता है, भेदना मतलब फेंक के मारना, पास का कोई जलाशय वहां जाता है, तो पूछ रहा है आपसे कि मछली भेदने के लिए उसे किस स्थिति में अपने भाले को फेंकना होगा या अपनी बर्छी को फेंकना पड़ेगा। पहला है उसे मछली की आभासी स्थिति के ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, यानी कि मान लीजिए ये फिश है, ठीक है, और यहाँ पास उसकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है, वाटर में क्या होता है इमेज अलग अलग बन जाती है, तो आभासी स्थिति ये है और जो रियल है वो ये है। पहला कह रहा है कि आभासी स्थिति के ऊपर बर्छी मारनी चाहिए, यानी यहाँ बर्छी फेंकेगा, या उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए, यानी कि वो ऐसे फेंकेगा, तो सेकंड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी जब उसके नीचे फेंकेगा, आभासी स्थिति के नीचे फेंकेगा तब जाके वो मछली को लगेगा, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे पूछ रहा है कि कौन सा संबंध घर्षण के परिमाण के बारे में सही है, यानी कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो घर्षण से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट, कौन सा रिलेशन यहाँ सही हो जाएगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थैतिक घर्षण जो होता है वो सर्पा घर्षण से ज्यादा होता है और सर्पा घर्षण लोटन घर्षण से ज्यादा होता है, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि रेफ्रिजरेटर से ए गैस मुक्त होती है, यानी ए बी सी यहाँ गैस की प्लेस पे ए बी सी मेंशन किए गए हैं और आपको बताना है कि ए बी सी कौन सी गैसेस हैं। तो रेफ्रिजरेटरों से ए गैस मुक्त होती है, तो आपको पता ही है जो फ्रिज होते हैं, जो एसी होते हैं, उनमें से कौन सी गैस निकलती है, सी एफ सी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यहाँ एक ही जगह पर होगा सी एफ सी, तो ए सिर्फ इसी में दिया हुआ है तो इसी से हम ऑड वन आउट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आगे का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एरोसेल का जो छिड़काव होता है उससे आपका ओ थ्री गैस रिलीज होती है और सूर्य से आने वाली किरणों में क्या होती है, पराबैंगनी किरणें रोकने के लिए, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए उत्तरदायी है, तो यहाँ जो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पराबैंगनी किरणें, यानी सी का नाम होगा पराबैंगनी किरणें, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में कह रहा है कि एक छड़ चुंबक है, यानी कि एक छड़ चुंबक है ये, और लोहे के बुरादा, यहाँ पास बुरादा फैला हुआ है, उसके समीप लाया जाता है इसको, तो पूछ रहा है कि ये बुरादा जो है वो लोहे की छड़ में कहाँ चिपक जाएगा, अधिकांशता ये मोस्टली किस भाग पर चिपकेगा। पहला कह रहा है अधिकांशता मध्य भाग में, यानी कि मोस्टली मध्य भाग में चिपक जाएगा, या केवल मध्य भाग में चिपकेगा, ये सभी जगह समान रूप से चिपक जाएगा, या अधिकांशता दोनों किनारों पर चिपक जाएगा। तो ये जो लोहे का बुरादा है इस लोहे की छड़ पे किनारों पर चिपक जाएगा, एंड नॉर्थ एंड साउथ पर, जो साइड है नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड, उस तरफ जाके ये चिपक जाएगा, तो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहा है कि छात्रों की समझ के स्तर के अनुसार विज्ञान की पाठ्यचर्या अपनाना किसको दर्शाता है, किसको सुनिश्चित करता है। तो अगर हम छात्रों की समझ की बात कर रहे हैं, यानी कॉग्निशन लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, संज्ञानात्मक सबसे ज्यादा वैध होगा, सबसे ज्यादा सुनिश्चित हम यही करेंगे कि संज्ञानात्मक विशेषता हो जिसके लिए
उसमें जो ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जिससे बच्चा अपने माइंड का अपने कॉग्निशन का अच्छे से यूज कर पाए। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा सेवन के विज्ञान शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों से एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा जिसमें उन्हें अपने 10 साथियों के शरीर का तापमान मापना है और अपने प्रेक्षणों को रिकॉर्ड करना है। इस विधि में कौन सी प्रक्रिया में निपुणता नहीं मापी जा सकती? निगेटिव पूछा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। प्रयोग करना, निष्कर्ष निकालना, मापना या संप्रेषण करना। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर ने स्टूडेंट को एक्टिविटी दी कि आपको क्या करना है, अपने साथियों के जो टेम्परेचर है उसको रिकॉर्ड करना है और ऑब्जर्वेशन कर रहा है करना है। तो उसमें वो क्या एक्सपेरिमेंट तो कर नहीं सकता कि भाई इसका टेम्परेचर कम है, एक काम करते इसके नीचे आग लगा देते या इसको आग पे बैठा देते तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं कर सकता ना। वो एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, मेजरमेंट करेगा, उससे कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकालेगा, लेकिन प्रयोग नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कि कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है। यानी जो कैक्टस का पौधा होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है, तो कौन सी परिस्थिति उसने अपने अंदर जीवित रहने के लिए कौन सी परिस्थिति में वो उसने अपने आप को परिवर्तित कर दिया है, ये आपसे पूछा गया है। पहला है, पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं, बिल्कुल सही बात है। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है, ये भी सही है। तने पर एक मोटी परत होती है, ये भी सही, यानी ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, एक तरफ दिया हुआ है पेट्रोलियम के प्रोडक्ट, यानी जब पेट्रोल निकाला जाता है तो एक गंदा बदबूदार काला कलर का होता है, ब्लैक कलर का बदबूदार गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उससे कई सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो एक तरफ उनके उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट दिए हुए हैं और दूसरी तरफ सॉरी एक तरफ पेट्रोलियम के उत्पाद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके उपयोग दिए गए हैं कि किनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है। तो अगर हम कोक की बात करें तो कोक का इस्तेमाल किसमें होता है, कोक का इस्तेमाल होता है स्टील के निर्माण में। अब कोल तार की बात करें तो कोल तार का निर्माण खुशबू के लिए होता है, इत्र के लिए होता है, विस्फोटक के रूप में होता है, यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। कोल गैस की बात करें तो कोल गैस का यूज होता है ईंधन के रूप में, जब हम फैक्ट्री की बात करते हैं तो फैक्ट्री में ईंधन के रूप में कोल गैस का यूज किया जाता है। और बिटुमिन का जो यूज होता है वो होता है सड़कों पर परत बिछाने के लिए। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है, जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी चिंतन, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहा है। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, जब किसी एक पॉइंट पर हम कई सारे थॉट्स रखते हैं, किसी एक पॉइंट पर अपना एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखते, एक पॉइंट पर हम कई सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो वो होता है आप सारी चिंतन। का आकलन करने के लिए उदाहरण का प्रश्न निम्न से कौन सा होना चाहिए, यानी टीचर एक क्वेश्चन पूछना चाहता है तो ये पूछ रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए कौन सा क्वेश्चन सबसे बेस्ट रहेगा। पहला है, जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। तो ये क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, सॉरी क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्या होता है, जिसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं, क्लोज इंडेड है, इसमें 5 से ज्यादा आंसर नहीं होंगे। फिर कह रहा है, कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। तो जो चरण होंगे जो एक सीक्वेंस में होंगे और फिक्स होंगे, उनमें डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं लगेगी। तीसरा कह रहा है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसमान का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो वो तो बच्चा आसानी से देख के बना सकता है, उसमें कोई डाइवर्जेंट थिंकिंग तो लग नहीं रही। चौथा कह रहा है कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए। तो यहाँ डाइवर्जेंट थिंकिंग लग रही है, क्योंकि बच्चा सोचेगा कि अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या हो सकते हैं। भाई साधन नहीं होंगे, साधन क्योंकि साधनों को चलने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होगी, और भी जो भी एक्टिविटीज जिनके लिए पेट्रोल की जरूरत होती है वो भी नहीं हो पाएंगे, उससे हमारा लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डाइवर्टिंग थिंकिंग यही लग रही है। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि किसी विद्यार्थी ने ए तथा बी अंकित परख नलियों के बिलियनों में एक एक चुटकी हल्दी डाली, यानी कि एक परख नली ए है, दूसरी बी है। ए में उसने क्या किया, एक चुटकी हल्दी डाली, बी में भी उसने एक चुटकी हल्दी डाली। उसके बाद निष्कर्ष क्या निकला, फर्स्ट में ये निकला कि जब वो हल्दी डालता है तो जो बिलियन होता है वो लाल हो जाता है। दूसरे का में ये निकला कि जब दूसरे में वो हल्दी डालता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसका जो कलर वो चेंज नहीं होता। तो ये तो हो गया ऑब्जर्वेशन, बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है कि अच्छा इसमें हमने डाला तो ये क्या हो गया, लाल हो गया, इसमें हमने डाला तो ये लाल नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, ये तो ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकेंड कह रहा है, विलियन ए क्षार है और विलियन बी एक अम्ल है। तो ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बच्चे ने क्या किया, एक कंक्लूजन निकाल लिया, एक निष्कर्ष निकाल लिया कि ये लाल हो रहा है इसलिए ये एक बेस है और ये
इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए ये एसिड है। तो पहला क्या है, ऑब्जर्वेशन है, और दूसरा क्या है, निष्कर्ष निकालना। देखते हैं क्या होगा, यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सौर परिवार के 8 ग्रह में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर यानी इस तरह घूर्णन करते हैं, और उनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं। तो आपको बताना है कि ये कौन से 2 ग्रह हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। शुक्र और यूरेनस तो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं यानी अपनी अक्ष पर घूमते हैं, और बाकी के जो 6 ग्रह हैं उनकी जो दिशा होती है घूर्णन की वो पश्चिम से पूर्व की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है, ओजोन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी ओजोन के बारे में ये कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन पे आपको सोचना है और ये निष्कर्ष निकालना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओजोन वायुमंडल के उच्चतम स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न होती है, जी नहीं, ओजोन क्या होती है, O3 होती है, ऑक्सीजन से डिफरेंट है, नहीं, यहाँ क्या होगा, सी तो गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना और आसानी का अभिक्रिया नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि इसमें नेगेटिव दिया हुआ है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी के दोनों गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। एक तरफ पौधा दिया हुआ है, दूसरी तरफ सिरा विन्यास दिया हुआ है, जड़ दिया हुआ है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। ए के बारे में दिया, यानी जो गुड़हल पौधा होता है वो जालिका रूपी झकड़ा जड़ होती है, दूसरा जो गुलाब होता है वो जालिका रूपी मूसला जड़ होती है, बांस में समानांतर झकड़ा जड़ होती है, और धान में जालिका रूपी झकड़ा जड़ होती है। तो बताइए कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो ए है और डी है ये दोनों सही है, बाकी के गलत है। ए में क्या दिया है, गुड़हल ये जालिका रूपी झकड़ा जड़ होती है, और जो धान होते हैं ये भी जालिका रूपी झकड़ा जड़ होती है, तो यानी ए और डी गलत सही हो जाएंगे और बाकी गलत। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कह रहे हैं कि नीचे दिए गए 2 प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए, यानी एक तरफ आपका रिवर्सिबल चेंज दिया हुआ है, एक तरफ इरिवर्सिबल चेंज दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। कलिका का पुष्पण, घास का काटना, ये क्या है, आप रिवर्स कर सकते हैं, एक बार आपने घास काट दी तो क्या दोबारा उसे एज इट इज कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ये इरिवर्सिबल है। ये कह रहे हैं कि गर्म करने पर लोहे का फैलना, आपने लोहे को गर्म कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दी, मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद आप उसे ठंडा कर दीजिए फिर से लोहा बन जाएगा। जल का क्वथन, जल को आपने उबाल दिया वाष्प बन गया, वाष्प को ठंडा कर दीजिए वापस से जल बन जाएगा, ये क्या होगा, रिवर्सिबल और ये इरिवर्सिबल। इनमें से कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है अमीबा, स्टारफिश, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं होते हैं, वो सभी रीढ़ की हड्डी सहित हैं, उन सबके शरीर पर एक सल्क होता है, वे प्रजनन के लिए अंडे देते हैं या जल में रहते हैं। अमीबा तो जल में रहता है, स्टारफिश भी रहती है, क्या चींटी जल में रहती है, नहीं रहती, अंडे देती हैं, उनके शरीर पर सल्क होते हैं, ये भी नहीं, सबके शरीर पर सल्क नहीं होते हैं, और वे सभी अंडे देते हैं, ये भी सही नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ना अमीबा में रीढ़ की हड्डी होती है, ना स्टारफिश में रीढ़ की हड्डी होती है, ना चींटी में होती है, और ना ही मकड़ी में होती है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। फिर कह रहे हैं कि एक पत्ते में स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए कौन से प्रयोग, जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे दिए गए चरण निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है, यानी कि एक पत्ते में स्टार्च की प्रेजेंस को जांचने के लिए जो आप प्रयोग कर रहे हैं उसके चरण दिए गए हैं कि आप ये स्टेजेस आपको करनी है, उनमें से एक स्टेज ऐसी है जो इम्पोर्टेंट नहीं है ऐसा करने के लिए, वो आपको बताना है। पहला है पत्ते को पहले पानी में उबालें फिर अल्कोहल में, विरंजित पत्ते को धोएं, पत्ते को आंच पर गर्म करें, या विरंजित पत्ते पर कुछ बूंदे आयोडीन घोल के डालें, बताइए इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा।
यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पत्ते को आंच पर गर्म करने की जरूरत नहीं है, तो थर्ड यहाँ करेक्ट है। फिर कह रहे चक्रवात तटीय क्षेत्रों में मिट्टी की उर्वरता को कैसे घटाती है, जब चक्रवात आता है जो तटीय एरियाज हैं उनकी जो मिट्टी होती है उसकी जो उर्वरता क्षमता होती है यानी कि उसमें जो न्यूट्रिशन होते हैं या उर्वरक क्षमता होती है वो कम हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। उस स्थान के भौम जल स्तर को बढ़ाकर, उस स्थान के भौम जल स्तर को घटाकर, भूमि के लवण जल खारे पानी से बाढ़ग्रस्त करके या पत्थरों को द्रवीभूत करके, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। जब भूमि में लवण की मात्रा ज्यादा होगी तो उसकी जो उर्वरक क्षमता होगी वो कम हो जाएगी, तो यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। फिर कहना निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। निराई आप जानते ही होंगे वो क्या कर, जब कोई भी फसल उगती है तो उनके साथ साथ में जो घास फूस भी उगाती है, तो उस घास फूस को हटाने के लिए निराई की जाती है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा संबंध सही नहीं है। पढ़ते हैं, मृदा की जुताई खरपतवार को उखाड़ने और मारने में सहायता करती है, बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहे खरपतवार नाशी फसलों और किसानों के लिए हानिकारक नहीं है, क्या ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं। जो खरपतवार नाशक दवाइयां छिड़की जाती हैं वो फसलों के लिए भी हानिकारक होती है और किसानों के लिए भी हानिकारक होती है, ये तो गलत हो जाएगा। निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, हाँ ये भी सही है, करनी चाहिए भाई। फिर जमीन के समीप की खरपतवार को उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, क्या ये सही है या नहीं सही है बताइए। यहाँ जो सही स्टेटमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ निगेटिव पूछा गया है ना कि पॉजिटिव, अभी जो मैंने गलती की है आप मत कीजिएगा। यहाँ देखिए स्टेटमेंट में निगेटिव पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा निगेटिव है, तो निगेटिव पहला बी हो जाएगा और दूसरा सी हो जाएगा, यानी बी सी करेक्ट है। इसमें कह रहे कि रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या है, यानी जो रॉकेट ईंधन होता है उसकी क्या क्वालिटीज होती है। हल्का होता है, उच्च कैलोरी जनन मान होता है, वायु के अभाव में धीमे जलता है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी जो रॉकेट ईंधन होता है वो हल्का होता है और उच्च कैलोरी जनन मान का होता है, तो यहाँ आपका ए और बी दोनों सही है, थर्ड करेक्ट है। फिर कह रहे हैं पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं, ये क्या स्टेटमेंट है और ये इसका विवेचन दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है ये तो एकदम सही है, पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं ये सही नहीं है। काली मिट्टी तो गन्ने के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी मानी जाती है, लेकिन पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी में पाए जाते हैं ये सही नहीं है, तो ए तो सही है परंतु आर सही नहीं है, यहाँ थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का सेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, लैक्टिक एसिड, जल या कार्बोनिक एसिड, तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हो जाएगा। अगर आप दूध में लैक्टिक एसिड मिला देंगे उसका सेल्फ जीवन बढ़ जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट भी मिला देंगे तब भी उसका सेल्फ जीवन बढ़ जाएगा, तो इसके दो ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। लास्ट क्वेश्चन, किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र इसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा, यानी ऑब्जर्वेशन करता है और ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में रिकॉर्ड करता है, तो कैसे रिकॉर्ड करेगा वो आपसे पूछा गया है। रेशेदार जड़े तथा जालिका रूपी सिरा विन्यास, घास के पौधे को उखाड़ने के बाद उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करता है, रेशेदार जड़े तथा समांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़े या समानांतर सिरा विन्यास या मूसला जड़े तथा जालिका रूपी सिरा विन्यास, यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जड़ होती है उसमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, पौधे को जब घास के पौधे को जब आप उखाड़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि रेशेदार जड़े होती हैं, यानी जो रूट्स होती है वो रेशेदार होती हैं और जो सिरा विन्यास होता है पत्तियों में वो समानांतर होता है, तो यहाँ आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप ये पूरी कंप्लीट सीरीज देख लेते हैं तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा साइंस के सब्जेक्ट में, और ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको बाहर इस क्वेश्चन सीरीज से बाहर देखने को मिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।